दो दिन बाद हरियाली तीज है। बीकानेर में हरियाली तीज पर एक से बढ़कर एक पकवान बनते हैं। मिठाई और नमकीन का स्वाद ही बीकानेर की एक अलग ही पहचान है। यहाँ हर साल तीज पर बीकानेर में बेसन की पापड़ी यानी गुजराती फाफड़ा बनाया जाता है। हालांकि बेसन की पापड़ी गुजरात का काफी प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेर में यह फाफड़ा को बेसन की पापड़ी कहते हैं। इस बेसन की पापड़ी को यहाँ के लोग बड़े शौक से खाते हैं और यह हर घर में खाई जाती है। इस दिन यहाँ हर घर में बेसन की पापड़ी लोग कई लोग बनाते हैं और कई लोग दुकान से लेके आते हैं। दुकानदार गिरधर गोपाल बताते हैं कि यहाँ 20 से 30 रुपए की तीन पापड़ी मिल जाती है और यहाँ बेसन की पापड़ी कई लोग बड़ी संख्या में बनाते हैं और यह हर थोड़ी देर में बनती जाती है। साथ ही यहाँ बेसन की पापड़ी के लिए लंबी लंबी लाइनें भी लगती हैं। यह एक घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। इस बेसन की पापड़ी में बेसन, अजवाइन, नमक, साजे का पानी, लाल मिर्च सहित कई तरह से मिलकर बनाया जाता है। फिर इसको 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है और फिर इसके एक पाटे पर रखकर इसको घिसा जाता है और उसके बाद इसमें एक आकार देकर इसको पापड़ी बनाई जाती है। इस पापड़ी को खाने के लिए दूर दूर से एक घंटा लग जाता है पूरा तैयार होने में।